नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन फिफ्थ हाउस के बारे में। देखिए, किसी भी कुंडली में जो पांचवा स्थान है वो बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। पूर्व पुण्य बल और प्रारब्ध, ये भी हम लोग फिफ्थ हाउस से देखते हैं। मंत्र दीक्षा भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। इंट्यूशन को फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। विजडम जो है वो भी हम लोग फिफ्थ हाउस से देखते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब भी गुरु यानी बृहस्पति ग्रह जब भी फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड हो तो इसको काफ़ी अच्छा माना गया है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जिस भी जातक की कुंडली में फिफ्थ में जुपिटर प्लेस्ड हो, ये काफ़ी अच्छा है। उसकी वजह एक ये भी है कि जब भी जुपिटर फिफ्थ में प्लेस्ड होगा तो वहाँ से वो अपनी पंचम दृष्टि से नाइन्थ हाउस को देखेगा, सातवीं दृष्टि से ग्यारहवें घर को देखेगा और नौवीं दृष्टि से लगन को देखेगा। तो जैसे हम लोगों ने जब भी जो जिस जो सॉरी जैसे हम लोगों ने जब जुपिटर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है वहाँ पे ये बात की थी कि जब भी जुपिटर फर्स्ट में प्लेस्ड है तो वो पूर्व पुण्य को और धर्म, इन दोनों को प्रोटेक्ट कर लेता है वहाँ से, इसलिए अच्छी प्लेसमेंट है। इसी प्रकार जब जुपिटर फिफ्थ में प्लेस्ड है तो यहाँ बैठ के वो फॉर्च्यून को, नाइन्थ हाउस को, धर्म जो वो रिप्रेजेंट करता है नाइन्थ हाउस, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और लगन को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और गेंस जो है हमारे उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। इस वजह से जुपिटर की प्लेसमेंट जो है वो फिफ्थ में अच्छी मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि ये इंटेलिजेंस के लिए काफ़ी अच्छा होता है, धन लाभ के लिए अच्छा होता है और ओवरऑल ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। अब देखिए, क्योंकि जुपिटर यहाँ बैठ के जैसे नाइन्थ को देखता है तो इस वजह से ऐसे लोग जो होते हैं वो जनरली बॉर्न लकी होते हैं। इलेवेंथ को देखने की वजह से इन लोगों के ऊपर एक तरह की गुरु कृपा रहती है और ये लाइफ में किसी भी सिचुएशन में फंस जाएं, इनको कोई ना कोई वहाँ से बचाने के लिए आ जाएगा। जनरली इनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं रहती और जो भी इनके खर्चे आएँ कहीं ना कहीं से उसके लिए पैसों का इनके पास अरेंजमेंट हो जाता है। लगन के ऊपर इसकी दृष्टि है, इस वजह से जनरली फॉर्चुनेट होते हैं, लकी होते हैं, इनकी लाइफ में अड़चने कम आती हैं और काम आसानी से निकल जाते हैं। तो ओवरऑल ये प्लेसमेंट जैसे मैंने अभी बोला ही है कि फिफ्थ में जुपिटर की अच्छी मानी गई है। एक और चीज़, बिकॉज जुपिटर जो है वो ब्राह्मण है और शास्त्रों को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वजह से जैसे जो भी लोग जो हैं जिनकी कुंडली में जुपिटर फिफ्थ में है, इनका एक जनरल इंटरेस्ट वैदिक स्क्रिप्चर्स की तरफ होता है और एस्ट्रोलॉजी में भी इन लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट होता है। स्पेशली अगर ये जुपिटर मर्करी के साथ कनेक्ट हो जाए या इसका कनेक्शन सेकेंड लॉर्ड के साथ बन जाए तो ऐसे लोगों का ज्योतिष में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। अब एक बात है यहाँ पे कि जैसे हम लोग जानते ही हैं जो फिफ्थ हाउस है वो बच्चों को रिप्रेजेंट करता है और जो जुपिटर है वो पुत्र कारक है यानी इंडिकेटर ऑफ चिल्ड्रन है। तो एक प्रिंसिपल ज्योतिष में ये भी है जिसको हम लोग कारको भाव नाशाय बोलते हैं, यानी कि अगर किसी भी घर का कारक जो है वो उसी घर में बैठ जाए तो उस घर को नुकसान पहुंचाता है। अब जुपिटर जो है वो प्रोजेनी का कारक है, बच्चों का कारक है और पांचवा घर जो है वो बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से जुपिटर जब भी फिफ्थ में प्लेस्ड होता है तो यहाँ पे कारको भाव नाशाय का प्रिंसिपल ऑपरेट करता है और उस बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो ये प्लेसमेंट बच्चों के लिए इतनी अच्छी नहीं मानी गई है। जो जनरल प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि अगर ये जुपिटर यहाँ पे मैलिफिक्स के साथ आ जाए या इसके ऊपर मैलिफिक इन्फ्लुएंस हो तो फिर इन लोगों के ऊपर पुत्र दोष लग जाता है और बच्चों में होने में या बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन अगर ये जुपिटर यहाँ पे बेनिफिक इन्फ्लुएंसेस में आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि इनफैक्ट बच्चों के लिए वो काफ़ी अच्छा रहता है और हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है। तो इसलिए कभी भी जुपिटर फिफ्थ में प्लेस्ड हो तो सीधा एकदम से प्रिंसिपल मत लगा लीजिए कि
प्रकार को भावनाशय है तो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। हमारे को इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में देखना चाहिए कि जुपिटर के ऊपर क्या इन्फ्लुएंसेस है यहाँ पे। इसके अलावा हमारे को जुपिटर से फिफ्थ हाउस यानी कि नाइन्थ हाउस में क्या इन्फ्लुएंसेस हैं वो भी स्टडी करने चाहिए, और फिफ्थ लॉर्ड जो है उसकी प्लेसमेंट, उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंसेस है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही बच्चों के मामले में या बच्चों के लिए कोई रिजल्ट निकालना चाहिए। सीधा से सिर्फ जुपिटर की प्लेसमेंट फिफ्थ हाउस में देख के उसके ऊपर एकदम से हमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं दे देना चाहिए कि फिफ्थ में जुपिटर प्लेस्ड है तो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि जुपिटर इन फिफ्थ इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट। धन्यवाद।